Visit to www.bullhorseshears.com for multi-bagger portfolio. Shares and subscribe to Bullhorse Shears. This video is only for educational purpose, not liable for any financial losses. Let's start the video. Hello friends, how are you? This is Adguru Chalan. स्वागत आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बुलहोर्स शेयर्स और मेरे वेबसाइट bullhorseshears.com में। और इस बुल इंडिया में बुल और शेयर के साथ जो भी मेरे स्टॉक्स हैं बहुत ज़्यादा रॉक्स कर रहे हैं। मेरे अभी मैंने जुलाई के मंथ में 8-9 वेल्थ गेनर स्टॉक्स हैं जो बुक किए हैं। ऑलमोस्ट वेल्थ गेनर स्टॉक्स भी मेरे डबल हो चुके हैं। मल्टी बैगर तो डबल से दो गुना तीन गुना तक रिजल्ट देने वाली कैपेसिटी रखते ही हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने 100% बुक कर लिए हैं। पर वेल्थ गेनर भी ऑलमोस्ट 100% तक 70-80% तक उनमें मुनाफा मैंने बुक कर लिया हुआ है। तो स्टॉक्स ऐसे ही होने चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मेरे अभी मैंने बुक किए हैं। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों को HDFC लाइफ के नतीजे आने वाले हैं आज, तो आज उसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं। नतीजे जैसे भी रहेंगे 1.5 लाख करोड़ के आसपास उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। बट अगर डिप्स में आप लोगों को मैं बताऊंगा कहाँ पे बाय करना है या कहाँ पे उसका सेलिंग लेवल होगा और कहाँ पे बुकिंग लेवल होगा, तो उसके नतीजों का आज विश्लेषण करेंगे। तो जो 7-8 स्टॉक्स मैंने बुक किए हैं उनमें से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि मैंने काइटेक्स का स्टॉक बुक किया, जीनियस पेपर का स्टॉक बुक किया, अपेक्स फ्रोजन का स्टॉक बुक किया, KRBL का स्टॉक बुक किया, क्विक हील का स्टॉक बुक किया, इक्विटास का वेल्थ गेनर स्टॉक बुक किया, रूपा कंपनी का और KCP लिमिटेड का स्टॉक बुक किया। मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं और HDFC लाइफ के जो पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो आपसे मैं शेयर करूंगा। मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आप पर वेल्थ गेनर की वाली लिस्ट में जाओगे। जब मल्टी बैगर के भी मैंने 4-5 स्टॉक्स और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टॉक्स मैंने बुक किए हैं। फोर्टी सेवन नंबर स्टॉक देखोगे आप इक्विटास का, ये मैंने 14 मई को बाय किया था और 2 महीनों के अंदर अंदर इसमें 62% का रिटर्न आ चुका है। और मतलब 135 के आसपास मैंने इसको 137 के आसपास इसको बुक कर लिया। 47 नंबर स्टॉक था। 46 नंबर स्टॉक था रूपा कंपनी का, जो जिसमें 67% के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया है। 300 के आसपास शेयर को बाय किया था और 5 जुलाई को मैंने 500 के आसपास इसको बुक कर लिया। मतलब जुलाई मंथ में 9 स्टॉक बुक किए हैं टोटल मैंने। और KRBL का स्टॉक है 38 नंबर स्टॉक था, वो 185 के आसपास मैंने बाय किया था 26 अप्रैल को। 13-7 को 300 के आसपास इसको 70% के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया उसमें। क्विक हील का स्टॉक था, वो 180 के आसपास उसको बाय किया हुआ था मैंने 26 अप्रैल को। और 15 जुलाई को मैंने जुलाई में 310 रुपये के आसपास मैंने 72% की रिटर्न इसमें गेन कर लिया। और 35 नंबर स्टॉक है KCP लिमिटेड, इसमें भी 72% प्रॉफिट बुकिंग की गई है। 94 के आसपास मैं बाय किया करके होल्ड करके रखा हुआ था मैंने। और 26 अप्रैल को बाय किया था, 15 जुलाई को मैंने 165 के आसपास 76% की अपना वेल्थ गेनर स्टॉक ये बुक कर लिया गया। पहले तो जो ऑलरेडी बुक है, अब ये न्यू जो जुलाई में बुक की है उसकी रिटेल है। काइटेक्स का स्टॉक था 105% का, डबल ये स्टॉक हो चुका मैंने 4 मंथ के अंदर। 105 के आसपास स्टॉक बाय किया था और 220 के आसपास इसको मैंने 15 जुलाई को बुक कर लिया। और 26 नंबर स्टॉक है अपेक्स फ्रोजन का, 230 के आसपास इसको बाय करके रखा हुआ था 28/12/20 को। मतलब 7 महीनों के अंदर अंदर 6 महीनों के अंदर अंदर इसमें 85% की गेन आ चुका है। ऑलमोस्ट शेयर डबल हो चुका है, 425 के आसपास अभी शेयर ट्रेड कर रहा था तब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी मैंने। और उसके बाद जीनियस पेपर 18th नंबर स्टॉक था, जो 7.5-7 रुपये के आसपास मैंने बाय करके रखा हुआ था और 8 जुलाई को मैंने इसको 15 रुपये के आसपास इसको डबल 100% बुक कर लिया। ये शेयर मेरा डबल हो चुका है। तो ये मेरे शेयर थे जो वेल्थ गेनर स्टॉक से जो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। और यहाँ पे HDFC लाइफ के जो नतीजे पास का एक्सपीरियंस जो था मैं आपको शेयर करूंगा। ये अभी भी ये शेयर 25% के आसपास ही
52 वीक से लो से थोड़ा सिर्फ और सिर्फ 25% अबाव ट्रेड कर रहा है, कुछ इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं आई है। मार्केट आपको पता है 7500 से 16000 तक पहुंच चुकी है मार्केट, तब इस शेयर ने सिर्फ और सिर्फ 25% का गेन दिया है। इसमें थ्रेट इसमें जो सिर्फ चार थ्रेट ये थ्रेट है, इसमें जो पी इसकी हाई पी है 40 के आसपास ट्रेड कर रही है, और प्रोविजन भी रिसेंटली इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हुए, इनसाइडर स्टॉक ट्रेडिंग हो रही है। और जो इसका टेक्निकल्स के बारे में आपको बताऊंगा कि टेक्निकल्स में ट्रेंड लाइन मोमेंटम स्कोर 67 है, और आरएसआई जो है इसकी 55 के आसपास है, एमएफआई 20 के पास है, और जो अभी ये स्टॉक 693 मतलब 30 डेज मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड कर रहा है। ये टेक्निकल्स के बारे में पहले फाइनेंशियल दिखा देता हूँ आप लोगों को। फाइनेंशियल जो है ऑन एन एवरेज शेयर मतलब 584 करोड़, 200 करोड़ और 360 करोड़ और जून में 452 करोड़, मतलब टोटल ये 1600 करोड़ का बिजनेस करता है हर साल में। ऑन एन एवरेज 400 करोड़ की हर क्वार्टर में सेल इसकी रेवेन्यू जो आती है, और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो 52 पहले 92% था सेकेंड थर्ड क्वार्टर में, और फोर्थ क्वार्टर में 53% था प्रॉफिट निकल के आया था, 300 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया था। तो फर्स्ट क्वार्टर में 450 करोड़ था, फिर सेकंड में 327 करोड़ था, फिर 265 करोड़ था, अब 310 करोड़ है। एनुअली अगर मैं आपको बताऊंगा एनुअली ये 1684 करोड़ के आसपास, 1600 करोड़ के आसपास ये इसका टर्नओवर है ऑन एन एवरेज अगर इसमें देखेंगे तो। इस क्वार्टर में जो एक्सपेक्टेड टर्नओवर आनी चाहिए 400 से लेके 500 करोड़ के आसपास इसकी टर्नओवर आनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और जो प्रॉफिट निकल के आ रहा 1354 करोड़ का वही ऑन एन एवरेज 300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाया जाएगा, तो नतीजे बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाएंगे। और मैं आपको ये लोगों को ये बोला था कि मार्केट अभी थोड़ा सा बुल है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं मार्केट में बोलूँ, जिसने भी मार्केट को बाय करना हो सिंपली 15700 का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को बाय करे, इससे नीचे बाय मत करे, मार्केट गिरेगी 15700 से नीचे, 15700 से नीचे इसका स्टॉप लॉस लगा के बाय करके रखो। मार्केट में अभी 16400 का टारगेट बुल टारगेट ये आएगा, 52 वीक हाई अभी और बनेगा, तो मार्केट में अभी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्टॉप लॉस मैं आपको दिखाऊंगा, शॉर्ट टर्म के लिए मैं 16400 तक मार्केट में बुल हूँ। तो इसी बुल टारगेट के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि इस शेयर में जो अपना 650 का स्टॉप लॉस लगाना, आप लोगों ने 650 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय करना है शेयर को, और पहला टारगेट इसका मेरा 725 का, दूसरा टारगेट 750 का, तीसरा टारगेट 790 का टारगेट मेरा आएगा ही आएगा, तो ये तीन टारगेट मेरे रहेंगे। और स्टॉप नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से मल्टीबैगर शेयर्स बुक किए हुए हैं, और अभी ये मैंने आप लोगों को 7 के 7 8 9 स्टॉक्स एक्सप्लेन कर दिए थे कौन कौन से मैंने वेल्थ गेनर शेयर बुक किए हैं। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ ताकि उनका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। तो थैंक्स गुरचरण है।